नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 31 मई तक कॉलेज बंद करने का जारी हुआ आदेश। अब निजी अस्पतालों में भी वेंटिलेटर देगी राज्य सरकार। जेल से आखिरकार रिहा हुए लालू प्रसाद यादव। विधानसभा को बंद करने की तारीख में हुआ विस्तार। बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश की बनी संभावना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 31 मई तक कॉलेज बंद करने का जारी हुआ आदेश। कोविड-19 के लगातार बढ़ते परिस्थितियों को देखते हुए 31 मई तक के लिए कॉलेज को बंद करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के प्रकोप से छात्र छात्राओं को बचाने के लिए राज्यपाल फागू चौहान ने यह कदम उठाया है, जिसके तहत राजभवन में बीते दिन यह निर्णय लिया गया है कि 31 मई 2021 तक बिहार की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बंद रखा जाएगा। संयुक्त सचिव IAS राजकुमार सिन्हा की तरफ से बिहार के सभी वाइस चांसलर को आदेश जारी कर दिया गया है कि अब मई महीने में ही सूबे के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से गर्मी की छुट्टी शुरू कर दी जाए। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा। कोविड-19 ने कई नामचीन लोगों की जिंदगी छीन ली है। वहीं कोरोना के कारण हर दिन लगातार कई लोगों की जान गंवाने की खबरें भी सामने आ रही है। इसी बीच बिहार से भी बीते दिन बुरी खबर सामने आई है, जिसके तहत बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कोरोना संक्रमण होने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके असामयिक गुजर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसी साल 27 फरवरी को ने नए पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वो विकास आयुक्त के पद पर थे। वरीयता के लिहाज से शीर्ष होने के कारण दीपक कुमार के बाद उन्हें मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई थी। बिहार के ही पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले अरुण कुमार सिंह 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। नवादा के सूर्य मंदिर हंडिया में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नवादा जिले के हंडिया का यह सूर्य मंदिर बिहार के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध 4 सूर्य मंदिरों में से एक है तथा पौराणिक और ऐतिहासिक सूर्य मंदिरों में शुमार है। हंडिया गांव स्थित यह सूर्य नारायण मंदिर द्वापर कालीन बताई जाती है। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मगध सम्राट जरासंघ का इन क्षेत्रों में साम्राज्य था। कहा जाता है कि जरासंघ की पुत्री धन्यावती यहां तालाब में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करती थी। सूर्य उपासना को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुरादें यहां पूरी होती हैं। कोई भी याचक यहां से खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। बिहार के कामगारों को 1 मई से आयुष्मान भारत का मिलेगा लाभ। बिहार के कामगारों को अगले महीने से बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत बिहार भवन सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित कामगारों को 1 मई 2021 से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी श्रम संसाधन मंत्री ने बीते दिन ट्वीट कर दी है। मंत्री ने आश्वस्त किया है कि अपने विभाग के कर्मियों के हर संभव मदद के लिए तत्पर रहने के साथ प्रदेश के श्रमिकों और युवाओं के हित के लिए विभाग निरंतर कार्यशील है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभ दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिक भी ले सकेंगे। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कोविड से संबंधित हेल्पलाइन 1070 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त कर सकता है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर लगी मुहर। कोविड-19 के माहौल के बीच बिहार में भी बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जहां पर कुल मिलाकर के 11 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है, जिसके तहत कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की जान गंवाने पर विशेष पारिवारिक पेंशन देने का ऐलान किया गया है। नीतीश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की जान गंवाने पर उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कोविड रोकथाम अभियान में लगे कर्मियों को यह लाभ मिलेगा। हालांकि पहले यह सुविधा सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के लिए ही थी, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों को लेकर के सरकार ने अपना फैसला सुनाया है। बिहार में 4 IAS अधिकारी की बढ़ाई गई प्रतिनियुक्ति अवधि। कोविड-19 के माहौल के बीच 4 IAS अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि को बीते दिन बिहार सरकार ने बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण PMCH, NMCH और पटना एम्स 3 IAS अधिकारी 30 अप्रैल तक प्रतिनियुक्त किए गए थे। अब वो 31 मई 2021 तक प्रतिनियुक्त रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राजीव रोशन को PMCH, समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को एम्स पटना और उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित को NMCH में प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह को 30 अप्रैल तक के लिए स्वास्थ्य विभाग में OSD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन अब उनकी भी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ा दी गई है।
फर्जी सर्टिफिकेट की मदद से नौकरी करने वाला शख्स पकड़ाया रंगे हाथ। मेट्रो कॉरेंटर के फर्जी सर्टिफिकेट पर 8 साल से जॉब करने वाले शिक्षक की पोल खुल गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के राजधानी पटना में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाण पत्र और अंक पत्र पर फर्जी शिक्षक बनकर नौकरी कर रहा था और अब जब शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच हुई तो फर्जी नियोजन का मामला पकड़ में आया है। आपको बता दें कि यह मामला प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर धनुआ और प्राथमिक विद्यालय सकरिया मसौढ़ी का है। शिक्षक सुभाष कुमार नाम से 2 शिक्षक इन दोनों स्कूल में अलग अलग पंचायत शिक्षक के तौर पर नियुक्त थे। जब ईपीएफ योजना अंतर्गत यूएनए नंबर का मिलान किया गया तो दोनों ही शिक्षक का यूएनए नंबर समान पाया गया। दोनों ही शिक्षक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, टीईटी प्रमाण पत्र दोनों ही एक जैसा था। बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना। बिहार वासियों को कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, बीते दिन भी कई जिलों में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक 3 मई तक राज्य में मौसम इसी तरह बदलता रहेगा। बीते दिन से 3 मई के बीच राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जाहिर की गई है। यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके जिले में मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही 1 मई के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। बिहार में अस्पतालों और चौक चौराहे पर होगी पुलिस की तैनाती। कोविड 19 संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार की तरफ से हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत अब अस्पतालों और चौक चौराहे को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार के अनुसार शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती के अलावा चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर संबंधित जिले के डीएम और एसपी को निर्णय लेना है। जिले के सक्षम अधिकारी जरूरत के अनुसार वहां सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे। उन्होंने है कि आसपास के कई अस्पतालों में एक साथ एक अस्पताल की क्षमता और चिकित्सक या चिकित्सा कर्मियों की संख्या के अनुसार पुलिस कर्मियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान की। बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। साल 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म बिहारी में ही हुआ था और उनके परिवार में पैगंबर खान और मिथुन भाई के यहाँ पर बिहार के डुमराव के ठठेरी बाजार में एक किराए के मकान में हुआ था। आपको बता दें कि बिस्मिल्लाह खान काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाते थे। इसके अलावा वो गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज भी करते थे। हालांकि उन्होंने साल 2006 में 21 अगस्त को दुनिया को अलविदा कह दिया था। विधानसभा स्पीकर ने लिया बड़ा निर्णय। कोविड 19 की लगातार बढ़ती परिस्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिन महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बिहार विधानसभा को 15 मई तक बंद करने का आदेश दिया गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सभा सचिवालय के कर्मियों तथा उनके परिजनों में अप्रत्याशित रूप से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले दिनों एक सदस्य सहित सभा सचिवालय के कर्मियों एवं उनके परिजनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 3 मई से 15 मई 2021 तक अति महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन को छोड़कर सचिवालय को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। एनएमसीएच में जल्द ही 100 जूनियर रेजिडेंट की होगी बहाली। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच में बिहार में डॉक्टरों की बहाली पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में एनएमसीएच में भी जल्द ही 100 जूनियर रेजिडेंट की बहाली होने वाली है। खबरों की माने तो जिनके पास भी एमबीबीएस की डिग्री है उन्हें आसानी से नौकरी दे दी जाएगी। इनमें प्राचार्य, अधीक्षक और मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष है। वॉक इन इंटरव्यू कर शनिवार से बहाली शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि एमबीबीएस अंतिम वर्ष के 97 छात्र छात्राओं को इंटर्न के रूप में कल से बहाल कर उन्हें ड्यूटी दी जाएगी। जिन 50 पीजी छात्र छात्राओं की निबंधन अवधि मई में समाप्त हो रही थी उन्हें अगले 3 महीने का विस्तार दिया गया है। अब निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर देगी राज्य सरकार। कोविड 19 की आग में अब हर कोई एक समान हो गया है। बात चाहे राजनेता की हो या आम नागरिक की, कोविड 19 के सामने कई जिंदगियां हार मान चुकी हैं। वहीं अब बिहार में कोविड 19 मरीजों के इलाज में सहूलियत बढ़ाने पर बिहार सरकार जोर दे रही है, जिसके तहत निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सभी निजी अस्पतालों से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। सरकार के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग अब निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर देगा और इनके संचालन के लिए कर्मचारी तथा टेक्नीशियन दिया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों से कर्मचारी एवं टेक्नीशियन की संख्या की सूची मांगी है। सूची के आधार पर सिविल सर्जन अस्पतालों को वेंटिलेटर, कर्मचारी और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
कोविड 19 मरीजों की मदद के लिए महावीर मंदिर ने खोले अपने द्वार। पटना के महावीर मंदिर ने भी अब लोगों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। खबरों की माने तो हनुमान मंदिर न्यास समिति ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए कोरोना मरीज को मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया करा रही है। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। यही नहीं, कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को निःशुल्क दवा किट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि अति महत्वपूर्ण मानवीय दायित्व के तहत मंदिर की तरफ से कोरोना के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। 5 मई से बिहार के करीब 9 करोड़ राशन कार्ड लाभुकों को मिलेगा मुफ्त राशन। इस महीने से बिहार के करीब 9 करोड़ राशन कार्ड लाभुकों को मुफ्त राशन मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर अलॉटमेंट जारी कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने भी इस फैसले को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद करीब 4.5 लाख टन गेहूं और चावल का अलॉटमेंट हुआ है। कोविड संक्रमण के मद्देनजर ये दिया जाने वाला यह मुफ्त राशन परंपरागत तौर पर बांटा जाने वाला माहवार राशन के अलावा होगा। खाद्य सचिव विनय कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी जरूरत का अलॉटमेंट जारी कर दिया है। इस बार हम गेहूं केंद्र सरकार से ले रहे हैं, चावल इस बार राज्य सरकार खुद अपना बांटेगी और वो चावल होगा जो हाल ही में समर्थन मूल्य पर खरीदे धान से निकाला गया है। 31 मई तक बढ़ाया गया इंटरनेशनल उड़ानों का सस्पेंशन। कोविड 19 प्रभावितों की संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ही DGCA ने बड़ा फैसला जारी किया है, जिसके तहत 31 मई तक इंटरनेशनल उड़ानों का सस्पेंशन बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो ऑपरेशन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बाद उड़ानों को संचालित किया जा सकता है। DGCA द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 26 जून 2020 में जारी परिपत्र में आंशिक संशोधन किया गया और निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं पर जारी परिपत्र की वैधता को 31 मई 2021 की रात तक बढ़ा दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना आज ही के दिन की थी। भारत में सन 1923 में मई दिवस मनाने की शुरुआत में चेन्नई में आज ही के दिन से हुई थी। इससे पहले भारत के 80 देश ऐसे थे जहां पर 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था। महाराष्ट्र को 1960 में राज्य घोषित किया गया था। देश की कोयला खदानों को 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2008 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 नए जजों की नियुक्ति की। स्वर्गीय रमेश भाई को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके 62वें जन्मदिवस समारोह पर मजदूर दिवस के अवसर पर सर्वोदय आश्रम टडियावा में आयोजित समारोह में भारत कोष पर रमेश भाई से संबंधित सामग्री को वैश्विक पाठक वर्ग को 2013 में आज के दिन समर्पित किया गया था। रोहित सरदाना को मीडिया से लेकर बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि। मीडिया जगत को बीते दिन बड़ा झटका लगा जब 41 वर्ष के उम्र में रोहित सरदाना ने कोविड 19 के संक्रमण में आने के बाद जिंदगी से हार मान ली। खबरों की माने तो रोहित सरदाना की हृदय गति रुकने के कारण उनकी जान चली गई, जिसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। बॉलीवुड कलाकार अशोक पंडित, स्वरा भास्कर, अनुपम खेर और जीशान अयूब ने ट्वीट कर रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पत्रकार रजत शर्मा, अंजनाम कश्यप, राजदीप सरदेसाई और चित्रा त्रिपाठी ने भी सोशल मीडिया पर साथी के गुजर जाने पर शोक जताया है। BCCI ने UAE में T20 विश्व कप के भारत से बाहर होने की जताई संभावना। कोविड 19 की बढ़ती स्थिति को देखते हुए BCCI ने T20 विश्व कप के आयोजन को लेकर अपना बयान जारी किया है। भारत में अगर कोरोना महामारी काबू में नहीं आती है तो इस साल देश में होने वाला T20 वर्ल्ड कप संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में शिफ्ट हो सकता है। BCCI के जनरल मैनेजर धीरज मल्होत्रा ने BBC को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी देश में वर्ल्ड कप के आयोजन की उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मुझे अभी इस टूर्नामेंट के एक डायरेक्टर के रूप में चुना गया है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि देश में ही विश्व कप का आयोजन हो, लेकिन हमें सामान्य और खराब दोनों स्थिति को ध्यान में रखना होगा। बिहार में कोविड 19 के मिले रिकॉर्ड तोड़ 15,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 15,853 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,05,400 पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 219, अरवल में 129, औरंगाबाद में 436, बांका में 249, बेगूसराय में 786, भागलपुर में 443, भोजपुर में 138, बक्सर में 89, दरभंगा में 213, ईस्ट चंपारण में 251, गया में 1203, गोपालगंज में 348, जमुई में 305, गया में 177, कैमूर में 131, कटिहार में 280, खगड़िया में 270, किशनगंज में 162, लखीसराय में 178, मधेपुरा में 386, मधुबनी में 490, मुंगेर में 191, मुजफ्फरपुर में 638, नालंदा में 881, नवादा में 150, पटना में 2844, पूर्णिया में 613, रोहतास में 274, सहरसा में 328, समस्तीपुर में 500, सारण में 457, शेखपुरा में 151, शिवहर में 71, सीतामढ़ी में 150, सिवान में 406, सुपौल में
591, वैशाली में 315, वेस्ट चंपारण में 573 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 77 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 11,194 लोगों ने कोविड 19 को मात दी है, जिसके बाद अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,62,356 पर पहुंच गई है। कोरोना के माहौल में वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहमंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मुकेश सहनी ने हेल्पलाइन नंबर 7280055548 जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोविड पीड़ित और परिजन इस हेल्पलाइन नंबर पर अपना नंबर नोट कराकर या हमारे आवास 6 स्टैंडर्ड रोड से शुद्ध शाकाहारी एवं माछ भात खाना प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर के द्वारा परिजनों को उनके निकटतम स्थान तक सुविधा अनुसार खाना पहुंचाया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालयों की एडमिशन प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार की केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। केंद्रीय विद्यालयों में 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है, लेकिन इस बार केवीएस ने इस एंट्रेंस एग्जाम को रद्द कर दिया है। अन्य कक्षाओं की तरह ही प्रायोरिटी कैटेगरी के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। कोविड 19 की परिस्थिति के मद्देनजर केवीएस ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में kvsangathan.nic.in पर नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, क्लास 2 से 9वीं तक के लिए रजिस्ट्रेशन 8 से 15 अप्रैल तक किए गए थे। एडमिशन की प्रक्रिया 20 से 27 अप्रैल तक होनी थी, लेकिन इसे रोक दिया गया था। आज है मई दिवस और आज के दिन क्यों मनाया जाता है मजदूर दिवस। आज का दिन पूरी तरह से श्रमिकों को समर्पित है। इस दिन भारत समेत कई देशों में मजदूरों की उपलब्धियों को और देश के विकास के लिए उनके योगदान को सलाम किया जाता है। यह दिन मजदूरों के सम्मान, उनकी एकता और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया के कई देशों में छुट्टी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन में हुई थी। इस आंदोलन के दौरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किए जाने को लेकर आंदोलन पर चले गए थे। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए टेलीग्राम ने जारी किए कई दमदार फीचर्स। व्हाट्सएप आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन है। वहीं व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए समय समय पर अन्य एप्लीकेशंस भी दमदार फीचर्स लेकर आते रहे। इसी क्रम में टेलीग्राम भी अब अपने यूजर के लिए नए फीचर्स को लेकर आया है। हाल ही में साझा की गई जानकारी के अनुसार टेलीग्राम में दिए गए कुछ खास फीचर की वजह से यूजर इसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। टेलीग्राम ने अपने ऐप को अपडेट करते हुए नए ऐड ऑन फीचर की घोषणा की है। नए अपडेट में शेड्यूलिंग, वॉइस चैट के लिए मिनी प्रोफाइल, नए वेब वर्जन और पेमेंट 2.0 जैसे अपडेट शामिल है। टेलीग्राम में ये पेमेंट फीचर 2017 में ही दे दिया गया था। अब इस फीचर को अपडेट किया गया है, जिसके जरिए यूजर अब टेलीग्राम चैट में किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम के इस नए अपडेट में यूजर ग्रुप और चैनल्स में वॉइस चैट को डेट और टाइम डालकर शेड्यूल कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है सोनू राजवंशी, मिथुन सिंह, शाहनवाज अहमद, सुबोध कुमार, अरविंद प्रसाद, नीतीश कुमार, ओमकार सिंह, पवन एंटरटेनमेंट, चंदन कुमार, हेमंत राज, शंकर यादव, जालंधर शेखर जय, शंकर कुमार, रवि रंजन कुमार, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ प्रकार है। आपके अनुसार सरकार की तरफ से सख्ती के बावजूद भी लगातार कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।